नाइस टू मीट यू। आज हम लोग क्लास 9 से सब्जेक्ट आपका इंग्लिश ग्रामर है। इंग्लिश ग्रामर से हम लोग वीडियो क्लिप 14 देख रहे हैं। टॉपिक आपका वॉयस है। वॉयस में इससे पहले हम लोग जो है टेंस फॉर्मेशन देख रहे थे। टेंस फॉर्मेशन में आपको बताया गया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का कैसे एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, फिर सिंपल पास्ट का कैसे एक्टिव टू पैसिव चेंज होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, ठीक उसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर टेंस में हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस देखे थे प्रीवियस क्लास में, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जिसका वॉयस पॉसिबल नहीं था। आज हम लोग देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल प्रेजेंट टेंस का सॉरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव फॉर्मेशन बनाने का तरीका होता है कि ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी डिसाइड शैल ऑब्लिक विल हेल्पिंग वर्ब आपका, फिर उसके बाद जो है हैव तो आएगा ही। इसमें नया क्या करते हैं कि उस दिन बताया गया था कि बी इज इक्वल टू बी वन, यानी कि बी वन या बी थ्री के फॉर्म में है तो बी का बी थ्री फॉर्म क्या होता है तो बीन होता है, तो हम लोग बीन यूज करेंगे। उसके बाद बी थ्री ऑब्जेक्ट और चेंजिंग बिफोर चेंजिंग ऑब्जेक्ट हम लोग जो है बाई प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। एक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस वी प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल लिखा गया कि ही विल हैव ईटन अ मैंगो। इसका पैसिव फॉर्म हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। इसका पैसिव फॉर्म हो जाएगा कि अ मैंगो क्या लेगा तो विल लेगा। अ मैंगो विल हैव बीन ईटन बाय, और ही सब्जेक्ट के रूप में इसका सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव किस क्या होगा, इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है ही। तो पैसिव फॉर्म हो जाएगा आपका ही विल हैव ईटन अ मैंगो का, अ मैंगो विल हैव बीन ईटन बाय हिम। ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जानते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है, बनावट इसका होता है आपका सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम व्हाट। इसमें हम लोग देख रहे थे आपको किसी प्रीवियस क्लास में बताया गया था कि जिस टेंस के स्ट्रक्चर में ऑलरेडी बी दिखाई दे, बीन दिखाई दे और बींग दिखाई दे तो उसकी पैसिव फॉर्मेशन नहीं होता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इस टेंस के स्ट्रक्चर में ऑलरेडी बीन लगा हुआ है, तो जिस टेंस के स्ट्रक्चर में बीन ऑलरेडी शो करता है, ऑलरेडी दिखाई देता है, तो वैसी स्थिति में उस टेंस का पैसिव फॉर्म पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे नो पैसिव, यानी इस टेंस का पैसिव नहीं बनेगा। तो आपको 12 टेंस बताया गया, 12 टेंस जो होता है प्रेजेंट का 4, पास्ट का 4 और फ्यूचर का 4। तो प्रेजेंट में 3 का पॉसिबल था पैसिव फॉर्मेशन, पास्ट में 3 का पॉसिबल था और फ्यूचर में मात्र 2 का। तो 12 टेंस में 3 6 और 2 एक पैसिव फॉर्मेशन एक्टिव से पैसिव बनाने का जनरल रूल में हम लोग टेंस में सीखे। अब हम लोग जो है कल से अगले वीडियो क्लिप में हम लोग जो है आपको स्पेशल रूल सिखाया जाएगा। स्पेशल रूल में हम लोग जो है सेंटेंस फॉर्मेशन देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस जो आपका असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपरेटिव है, इन सबों का पैसिव फॉर्मेशन कैसे होता है, हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव इन सेंटेंस कंडीशन। अभी हम लोग टेंस कंडीशन देख रहे थे। तो आप लोग होमवर्क में इसको घर से अच्छे ढंग से अंडरस्टैंड कर लेंगे, और अगले वीडियो क्लिप में आपको जो है इस पर जो इतना भी पढ़ाया गया है होमवर्क भी दिया जाएगा और अगले वीडियो क्लिप में सिखाया जाएगा, स्टडी कराया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, होमवर्क में 2 अंडरस्टैंड हो गया। नाइस मीटिंग यू, दैट्स ऑल, वी थैंक्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू।